गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। पहले जो लिंक जनरेट किया गया उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वो लिंक जो है बंद हो गया, और उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम कवर करने वाले हैं एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आज हम देखेंगे कि आप जब एज ए वेटनरी डॉक्टर किसी फील्ड में ज्वाइन करते हो तो आपके पास जो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी, और पशुपालक इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके सामने पूछेगा कि हम हमारे जानवरों को लोकली क्या खिलाएं। उसके पीछे हमें कुछ चीज़ें जाननी है दोस्तों कि जब ये आप जब इसके साथ हैं और एनिमल न्यूट्रिशन में आपके पास जो लोकली फीड अवेलेबल है उसके आधार पे आपको उसका फीड जो है, उस एनिमल का फीड जो है वो तैयार करना है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, और आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वेटनरी से रिलेटेड जैसे फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स आएँ चाहे न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स आएँ, दोनों में ही जो है आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि कैसे आप एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो बेटर प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि पशुपालक जितना खर्चा पशुओं को रखने के लिए करता है उसका 60-70% खर्चा जो है वो न्यूट्रिशन पे आता है। तो उसका एक बड़ा पार्ट, मान लीजिए किसी जानवर पे 100 रुपये एक दिन के खर्च किए जाते हैं, तो उसमें 60-70 रुपये जो है वो न्यूट्रिशन के ऊपर जो है उसका खर्च आता है। तो न्यूट्रिशन का लागत को आप अगर कम कर पाए किसी तरीके से, और उस लागत कम करने के बाद भी अगर आप बैलेंस डाइट जो है पहुँचा रहे हैं और उसकी ज़रूरत के अनुसार अगर उसकी ज़रूरत के अनुसार आप जो है चीज़ें कर पा रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन का बेसिक जान के फिर हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम क्या क्या चीज़ें खिला सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए, हम कैसे उसके फीड का निर्धारण करें, क्या चीज़ को इंक्लूड कर सकें। ये सब चीज़ें जानने से पहले हम इसके बेस की तरफ चलते हैं कि आखिर प्रकृति ने जो है रूमन क्यों दे दिया, ऐसी क्या पावर जो है रूमिनेंट्स को दी है जो बोवाइन से उन्होंने दिए गाय भैंस भेड़ बकरी कैटल वगैरह शीप गोट को, ऐसे क्या पावर उन्होंने दे दिया कि जो कैटल बफेलो शेप गोट है ये रूमिनेशन कर सकते हैं, है ना, जुगाली कर सकते हैं और फिर जो घास को आसानी से पचा सकते हैं। तो ये कैटल बफेलो शेप गोट जो होते हैं ये फोरगट फर्मेंटर कहलाते हैं, मतलब इनके जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है इसमें जो आगे की तरफ चीज़ें हैं जो रूमन है जो स्टोमक है उसमें उसके आधार पर इनमें पावर है कि ये घास को आसानी से पचा सकते हैं। और वहीं घोड़े में जो है घोड़ा जो है वो हाइंडगट फर्मेंटर कहलाता है, पीछे के हाइंडगट फर्मेंटर बोलते हैं। हाइंडगट फर्मेंटर का मतलब है कि वहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है जो अपेंडिकुलस सर्वसाइटिन अपेंडिकुलस उसके आधार पे जो है वो घास को पचाने की क्षमता रखता है। तो रूमन जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, आप जानते हो जो बोवाइंस होते हैं इनके आमाशय 4 भागों से मिलकर बना होता है, 4 इसमें पार्ट होते हैं। सबसे जो पहला पार्ट होता है वो कहलाता है रूमन, उसको पॉन्च भी कहते हैं। रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर होती है सेकंड पार्ट होता है रेटिकुलम, रेटिकुलम के इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो हनीकॉम, मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे रेटिकुलम की स्ट्रक्चर होती है। फिर एक और पार्ट होता है ओमेजम, और जो लास्ट वाला जो वास्तव में डाइजेशन का काम करता है, जो पचाने का काम करता है, जो मोनोगेस्ट्रिक एनिमल होते हैं जिनमें आमाशय का एक ही पार्ट होता है, जैसे इंसान मान सकते हैं आप, डॉग कैट ठीक कार्निवोर्स एनिमल जो उनमें केवल एबोमेजम वाला पार्ट पाया जाता है, तो घोड़ा घोड़े में भी केवल और केवल एबोमेजम पाया जाता है, लेकिन फिर भी वो घास पचा लेता है। क्यों पचा लेता है घास घोड़ा, क्योंकि घोड़े में हाइंडगट फर्मेंटर होते हैं, और ये जो जानवर घास पचा सकते हैं बाकी और जानवर जो है ये फोरगट फर्मेंटर होते हैं, मतलब इनमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं रूमन के अंदर जो घास को पचा सकते हैं। और इंसान घास क्यों नहीं पचा पाता है, ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट है कि इंसान क्यों घास नहीं पचा पाता है, क्योंकि उसमें रूमन नहीं होता। रूमन में क्या, रूमन में से बैक्टीरिया होते हैं जैसे सेलुलेज बैक्टीरिया होते हैं, वो सेलुलेज एंजाइम का जो है सिक्रीशन करते हैं, और सेलुलेज एंजाइम का सिक्रीशन के कारण जो है जो
सेलुलोज होता है। सेलुलोज बेसिकली सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है पूरी दुनिया में। उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने की क्षमता सेलुलोज एंजाइम में है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है उससे बीटा वन फोर लिंकेज होती है, और जो नॉर्मल ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज जो इंसान पचा सकता है या कार्निवोर्स पचा सकते हैं उसमें अल्फा वन फोर लिंकेज होती है। तो इंसानों में अल्फा वन फोर लिंकेज जो है वो पाई जाती है, वो उसको पचाने की क्षमता पाई जाती है। तो हम केवल अल्फा वन फोर लिंकेज को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और बीटा वन फोर जो लिंकेज है ग्लूकोज के बीच उसको हम जो है तोड़ नहीं सकते, और तोड़ नहीं सकते इस कारण से जो है हम घास को आसानी से पचा नहीं सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्यों जो है ये हो पाता। तो दोस्तों बात करते हैं आगे हम पूरा इस एरिया तक। आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा पार्ट जो पेट का जो है वो रूमन बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये चार पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है रूमन, ये बिगेस्ट चैम्बर होता है। और इसमें माइक्रोब जो है इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ फंजाई पाए जाते हैं, कुछ प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें पाई जाने के कारण जो है इसमें सेलुलोज एंजाइम जो है वो सीक्रेट होता है, और सेलुलोज एंजाइम से जो है वो उस कार्बोहाइड्रेट को पचा पाते हैं, उस हेमी सेलुलोज को पचा पाते हैं, लिग्निन को पचा पाते हैं, जो कि इंसान को या किसी भी मोनोगैस्ट्रिक जानवर को जो है पचाने की क्षमता नहीं है। घोड़े और गधे को आप छोड़ दें तो उनमें हाइंडगट फर्मेंटेशन के कारण जो है वो होता है। तो ये रूमन आपने देखा कि यहाँ माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और वही जो है। और एक और चीज़ कि यहाँ पर जो है जब सेलुलोज को पचाया जाता है तो उससे जो जनरेट होता है वो कहलाता है VFA, वोलेटाइल फैटी एसिड। ये वोलेटाइल फैटी एसिड जो है ये ही जिम्मेदार है गाय भैंस भेड़ बकरी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ कोई ग्लूकोज जो है उसका इतना रोल नहीं है एनर्जी देने के लिए पूरे शरीर में। यहाँ पूरे शरीर में एनर्जी जो जनरेट होती है वो वोलेटाइल फैटी एसिड से होती है। वोलेटाइल फैटी एसिड जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे एसीटेट हो गया, प्रोपायोनिक एसिड हो गया, ब्यूटायरिक एसिड हो गया, वो हम आगे अभी देखते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे शरीर में अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है कहीं भी तो वो कहाँ से जनरेट होते हैं, VFA से। VFA कहाँ से है, वोलेटाइल फैटी एसिड कहाँ से है, जो सेलुलोज जानवर खा रहा है, जो घास जानवर खा रहा है, ठीक है। और घास को पचाने की क्षमता क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया उस सेलुलोज को, उस घास को तोड़ते हैं, क्योंकि उसमें बीटा वन फोर लिंकेज पाई जाती है, और उस घास को तोड़ने के कारण ही यहाँ से VFA जनरेट होता है वोलेटाइल फैटी एसिड, उससे जो है एनर्जी जनरेट होती है। तो रूमन का बेसिकली काम क्या है, उनको फर्मेंटेशन करना माइक्रोब्स की सहायता से, उस जो फीड खाया गया है, जो सेलुलोज खाया गया उसको फर्मेंट करना। तो ये आप देख सकते हैं विच इज़ द काउज मेन एनर्जी सोर्स, जो गाय में सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, और अलाउ फॉर द डाइजेशन ऑफ फाइबर एंड अदर फीड। इससे जो फाइबरस डाइट जो है, क्योंकि आप जानते हो गाय भैंस भेड़ बकरी में केवल और केवल फाइबरस डाइट से ही काम चलाया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना है। और इससे जो है कुछ चीज़ें जनरेट होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, साथ में CH4 मेथेन जनरेट होती है, और हाइड्रोजन, ये तीनों चीज़ें जो तीनों गैसेज हैं वो जनरेट होती है। और ये आप देख पा रहे हैं VFA वोलेटाइल फैटी एसिड, ये क्या क्या जनरेट हो रहा है, एसीटेट, प्रोपायोनेट और ब्यूटायरेट, ये एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कराते हैं। CO2 जो है ब्लड के थ्रू और रेस्पिरेशन के थ्रू जो है शरीर से बाहर निकल जाती है। मेथेन भी जो है वो बाहर निकल जाती है, और H+ भी साथ में जनरेट होता है। ये H+ का क्या काम है वो हम अभी आके देखते हैं कि H+ साथ में जो जनरेट हो रहा है इसका क्या काम है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए एसीटेट जो होता है ये ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जाने के बाद जो है इसका ये फैट सिंथेसिस करता है, और मेन काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो एसीटेट जो बन रहा है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराने में सहयोग करता है, एसीटेट का मेन काम ये है। प्रोपायोनेट क्या काम करता है, ये भी ब्लड में चला जाता है, और प्रोपायोनेट ब्लड में जाने के कारण क्या होता है, ये ग्लूकोज का प्रीकर्सर है, मतलब ग्लूकोज को बनाने में सहायता करता है। ग्लूकोज क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर एनर्जी के लिए तो आपने देख लिया एसीटेट ज़रूरी है, तो फिर ग्लूकोज की क्या रिक्वायरमेंट आ गई, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट क्या है, दूध बनाने के लिए। तो दूध तभी बन पाएगा जब यहाँ पर ये प्रोपायोनेट जनरेट होगा, और दो प्रोपायोनेट, क्योंकि एक प्रोपायोनेट में कितने कार्बन होते हैं दोस्तों, तीन कार्बन, तो 3+3 मतलब 6 कार्बन मिलेंगे, और 6 कार्बन मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। तो प्रोपायोनेट जो होता है
ये ग्लूकोज बनाने में काम आता है, और उसी से गैलेक्टोज भी बनता है, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज, और फिर जो है लैक्टोज शुगर कहलाती है मिल्क शुगर, और उसी से जो है मिल्क मतलब दूध जो है वो बनता है। तो ये प्रोपायोनेट का काम आपको मैंने बता दिया। ब्यूटायरेट जो होता है ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एसिड मतलब ये कीटोन बॉडीज बनाता है, और इस कीटोन बॉडीज जो है ये रूमन की वॉल में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, और रूमन वॉल से एब्जॉर्ब होने के बाद ये भी कीटोजेनेसिस के माध्यम से और बीटा ऑक्सीडेशन के माध्यम से ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो तीनों VFA का काम मैंने बता दिया आपको। एसीटेट का मेन काम है एनर्जी प्रोवाइड करना और दूध की फैट बनाना, ठीक है दोस्तों। प्रोपायोनेट का काम है क्या, ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोज से फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाना, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना के लैक्टोज बनाना, और लैक्टोज मिल्क में प्रोवाइड करना। और ब्यूटायरेट का काम है मेनली कीटोन बॉडीज बनाना, और कीटोन बॉडीज से जो है ये सारे आपको मिलता है। तो ये आप तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों बात करें हम, ये देख सकते हैं आप प्रोपायोनिक एसिड क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, ग्लूकोजेनेसिस कर रहा है, ग्लूकोजेनेसिस के कारण जो है ज़्यादा हो रही। तो हम चीज़ें देख लेते हैं। सबसे बड़ा बात हमने रूमन की कर ली। इसके बाद रेटिकुलम का काम है जो जितने भी फीड पार्टिकल हैं, बड़े फीड पार्टिकल हैं, उनको ट्रैप कर लेता है रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, हनीकॉम स्ट्रक्चर पाई जाती है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो वो रेटिकुलम का काम है। ओमेजम की बात करें दोस्तों, ये फिल्टर की तरह काम करता है, और ओमेजम जो होता है इसमें मैनी फोल्ड पाया जाता है टू स्किज आउट द वार्म वाटर फ्रॉम द फीड। ये क्या काम करता है, जो वार्म वाटर होता है, जो पानी है उसको फीड से अलग करता है। और एबोमेजम ये बेसिकली ट्रू स्टोमक है, ये ही सत्यामाश्य है, इसी से जितना एंजाइमेटिक डाइजेशन होना है, जितनी एंजाइमेटिक रिएक्शन होनी है, ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, ये एबोमेजम है, और यहाँ पर जितना भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होनी वो यहाँ होती है, और इसके बाद इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो है वो चालू होता है। तो कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं उन सभी का जो है स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों दीपिका जी हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जगदीश जी हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर जगदीश गुर्जर जी हमारे साथ, क्या शब्द चुनू तुम्हारी आन बान शान में बॉस, ये कहना काफ़ी नहीं कि तुम सबसे कमाल हो जान में बॉस। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, हर बार आपका कमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त रहता है, पढ़ के मज़ा आ जाता है आपका कमेंट। अजय सैनी जी हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग। लाला राम जी शर्मा है, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग। दीपिका जी हमारे साथ है, गुड। जम्बू जी हैं, मंजू जी हैं, ललित कुमार जी हमारे साथ है, तो काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम कि जानवर जो है वो जुगाली कैसे कर लेता है। तो जानवर कैसे जुगाली कर लेता है उस बारे में जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आप देख रहे हैं कि ये जो जानवर है ये सबसे पहले माउस से जो है फीड को खा के रूमन में जो है ये फिल कर लेता है, पूरा रूमन जो है वो फिल कर लेता है, पूरा रूमन भर लेता है ग्रासेस से, जो भी इसको खाना होता है जल्दी जल्दी खा लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, इस रूमन को जो है, इस रूमन को फिल होने के बाद ये वहाँ जाके बैठ जाते हैं जहाँ इनको थोड़ा सा डर ना हो, प्रोटेक्टेड जगह पहुँचते हैं, और वहाँ पर फिर ये क्या करता है, जो रूमन में ग्रासेज है इसको वापस मुँह में लाते हैं, और फिर अच्छे से इसको चबाया जाता है, और अब इसको जो बोला जाता है कड बोला जाता है। जब ये मुँह में आ रहा है तो इसमें सलाइवा मिक्स हो गई है, और सलाइवा मिक्स होने के कारण अब इसको क्या बोला जा रहा है, कड बोला जा रहा है, CUD कड बोला जा रहा है। कड को जो है वापस अच्छे से चबाया जाता है, और चबाने के बाद जुगाली कर जो करते हैं, जुगाली करने के बाद वापस जो फीड को वापस पहुंचाया जाता है, वापस रूमन रेटिकुलम ओमेजम एपोमेजम पहुँचाया जाता है, और वहाँ से फिर जो है एक्चुअल डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो रूमन में आप देख रहे हैं कि रूमन में सबसे पहले फीड को जो है वो फिल कर लिया गया, और फिर जहाँ पर एकांत जगह है, आप जानते हो कि नेचर ने इनको ऐसा इसलिए बनाया दोस्तों कि रूमन जो होता है, जब इवोल्यूशन का प्रोसेस ऑन गोइंग था, है ना, इवोल्यूशन चल रहा था, तो इवोल्यूशन जब चल रहा था तो इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ दोस्तों कि इनके पास कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि ये शिकारी जो जानवर है, जो कार्निवोरस जानवर है, उनसे बच सके। तो उनसे बचने के लिए क्या किया कि इनको जब टाइम मिला तब ये फटाफट जंगल में गए, और जंगल में जाके जो है इनके पास इतना बड़ा पेट होने के कारण इन्होंने फटाफट ग्रासेज को खाया,
और फिर वापस अपने एकांत जगह में आके प्रोटेक्टेड जगह में आके घास को फिर वापस मुंह में लाके वापस अच्छे से चबा के और फिर जो है इनको वापस रोमन में पहुँचाया। तो ये प्रकृति ने इनको एक सुविधा दी कि आपके पास अच्छी लेग्स नहीं है, अच्छे टीथ नहीं है कार्निवोरस, तो हम आपको प्रकृति ने आपको सुविधा दी है कि बड़ा पेड़ जो है रोमन जो है इनको दिया गया। और घोड़े के केस में क्या हुआ कि वो भी घास बचा पाते हैं लेकिन रोमन नहीं है, लेकिन वो हाइंड गट फर्मेंटर है और हाइंड गट फर्मेंटर है तो लेकिन उनके पास लेग्स बहुत मजबूत है, वो जल्दी से दौड़ सकते हैं, तो थोड़े सी दूर में ज़्यादा लंबे समय तक दूरी तय कर सकते हैं, अच्छा कंसनट्रेट कर सकते हैं, अच्छी ग्रासेज वो लोग खा सकते हैं और फिर वापस जो है आ सकते हैं। तो ये हर्बीवोरस एनिमल जो जो ग्रासेज पे बेसिकली डिपेंड है उनको ये सुविधा जो है प्रकृति ने दी। तो दोस्तों आप देख सकते रूमन से फिर रेटिकुलम ओमेजम देन एपोमेजम और फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पूरे फीड का जो है वो रूट होता है। तो रूमन वेयर फूड इज स्टोर्ड मैकेनिकली प्रोसेस्ड एंड एक्सपोज टू बैक्टीरिया दैट सिंथेसाइज सेलुलोज एंजाइम टू ब्रेक सेलुलोज। ये सेलुलोज एंजाइम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको मिलना ही मिलना चाहिए, तो सेलुलोज एंजाइम जो है वो मिलना चाहिए। देखिए आप दोस्तों यहाँ आप आराम से देख सकते हैं कि साइकिल फ्लड कार्डिया विद इंजेस्टिया और काउ ब्रेक्स ब्रेथ विद क्लोज ग्लोटिस, और ये आप देख सकते हैं कैसे जुगाली करने वाली रूमिनेशन की साइकिल जो है वो वापस से रीस्वेलो हुई रूमिन में, एक बार इंसलाइवेशन हुआ और इसको जो है हाफ चू करके, सबसे पहले जानवर हाफ चू करता है रूमन में भेजता है फिर वापस मुंह में लाता है, कड़ मिला उसको सलाइवा मिला के कड़ बनाया जाता है, फिर उसको सही से चबाया जाता है और उसके बाद जो है उसको वापस रूमन रेटिकुलम ओमेजम एबोमेजम और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में फीड को भेजा जाता है। तो ये पूरी एक साइकिल होती है दोस्तों जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले काप से शुरुआत करते हैं, काप से जो है हम शुरुआत करते हैं और काप से शुरुआत करने में दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो काफ होता है इसमें आप देख सकते हैं कि जो रोमन होता है ये एरिया आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मॉल एरिया रोमन का होता है, रोमन जो है बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है। जो फर्स्ट वीक ऑफ काफ में आप देख रहे हैं कि रोमन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो पार्ट बनाता है वो एबोमेजम बनाता है। तो एबोमेजम आप देखिए कि एबोमेजम जो है सबसे बड़ा, रोमन जो है छोटा है, और वहीं 3 से 4 महीने का जब काफ हो जाएगा बछड़ा हो जाएगा तो ये आप देखिए रोमन का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, बाकी जितने पार्ट हैं स्टमक के वो सब छोटे हो गए। और जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है तो सबसे बिगेस्ट चैम्बर जो है वो कौन हो जाता है दोस्तों, रोमन हो जाता है, और आप देख पा रहे हैं कि ओमेजम और एबोमेजम जो है वो बिल्कुल छोटे हो गए। तो ये आप देख पा रहे हैं आराम से कि कौन कब डेवलप हो रहा है, तो फर्स्ट वीक 3 वीक और मैच्योरिटी के आप जो है वो आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है कि कोलेस्ट्रम जब जानवर पीता है मतलब फर्स्ट मिल्क जब पीता है तो क्यों जो है ये डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी पाई जाती है पैसिव इम्यूनिटी, क्यों रूमन में जाके जो है वो डायरेक्ट जो है उसमें नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है रूमन और एबोमेजम में SCL पाया जाता है तब क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसमें ट्रिप्सिन जो है इनहिबिटर जो है वो पाया जाता है, तो इस कारण से जो है एंटीबॉडी बची हुई रह जाती है। और जब बछड़ा होता है तो इसमें आप देख सकते हैं एक ग्रू बन जाती है, ये ग्रू बन जाती है, और एक ग्रू जो है दोस्तों इस ग्रू के कारण ये मिल्क जब बछड़ा पी रहा है तो ये डायरेक्ट जो है बाईपास कर जाता है रूमन को, और ये डायरेक्ट ओमेजम और एबोमेजम में जो है मिल्क जो है वो डायरेक्ट पहुँच जाता है। तो ये ग्रू जो है ये बड़ी काम की है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है जानवर की वैसे वैसे जो है ये इसोफेजियल ग्रू जो है ये डीमार्क हो जाती है और केवल एक मसल्स का फाइबर रह जाता है, और ये बाद 3 महीने के बाद में इसका ज़्यादा उपयोगिता नहीं रहती है। तो इसोफेजियल ग्रू की जो है अपनी एक विशेषता होती है दोस्तों, लेकिन आप जब रूमन का डेवलपमेंट देख रहे हैं तो रूमन के डेवलपमेंट में आप देखें 0 से 2 वीक और 8 वीक और 3 से 4 महीने में रूमन की साइज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रूमन के डेवलपमेंट के लिए आप जितना जल्दी रूमन को डेवलप कराएंगे उतना ज़्यादा किसान को फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 15 दिन के आसपास जो है काप स्टार्टर जो है वो
देना स्टार्ट करेंगे 50 ग्राम रोजाना के हिसाब से, और डेढ़ महीने के आसपास से जो है आप इसको थोड़ा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेग्यूम्स खिलाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो रूमन पेपिलीज होते हैं, जो रूमन्स में काम करेगी, रूमन पेपिलीज जल्दी डेवलप हो जाएगी। तो काफ स्टार्टर आप जितना जल्दी खिलाएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं 15 दिन के आसपास जो है आप 50 ग्राम रोजाना के हिसाब से काप स्टार्टर 3 महीने तक जो है काप स्टार्टर जो है बछड़े को खिला सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो रहेगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि रूमन्स में दो चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक तो विटामिन के और विटामिन बी, ये बाहर से नहीं लेना पड़ता है ना। जो भी केटल पेपिलो शेप बोर्ड है इनमें विटामिन के और विटामिन बी जो है ये बिल्कुल भी बाहर से नहीं लेना पड़ता। क्यों नहीं लेना पड़ता? कि जो माइक्रोब्स हैं, जो रूमन में बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, वो नेचुरली इनमें जो है विटामिन बी का निर्माण कर लेता है, और विटामिन बी का निर्माण होने के कारण जो है इनको बाहर से विटामिन बी की और विटामिन के की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही जितने अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है वो अमीनो एसिड्स रूमन के अंदर बन जाते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, जहाँ इंसानों में 9 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, यहाँ पर रूमन के केस में, रूमिनेट्स के केस में, गाय भैंस भेड़ बकरी के केस में वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल जीरो है, उनको एक भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों आपको याद रखना। तो आपको बाहर से कभी भी विटामिन बी और विटामिन के जो है इनके डाइट में मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम एक चीज़ और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि रूमन के अंदर जो है दोस्तों, एक तो मैंने बताया कि बीटा वन फोर लिंकेज के कारण ये सेलुलोज को तोड़ पाते हैं। एक और चीज़ रूमन में होती है दोस्तों कि जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, इन बैक्टीरिया की बॉडी से जो प्रोटीन रिलीज होती है ना, एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा और एंजाइमेटिक डाइजेशन के कारण बैक्टीरिया की किल होगी, तो वहाँ से जो प्रोटीन रिलीज होगी वो प्रोटीन भी जो है रूमिनेंट से काम आ जाती है। तो ये दो बड़े काम जो है वहाँ होते हैं, एक तो सेलुलोज एंजाइम रिएक्शन के कारण बीटा वन फोर लिंकेज को तोड़ना, VFA बनाना, एनर्जी देना और फैट बनाना, और दूसरा प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी जो है वो कहलाता है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इसोफेजियल ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वो मिल्क को डायरेक्ट जो है ओमेजम और एवोमेजम में पहुंचा देता है। सॉरी दोस्तों। इसके बाद रूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि आप इसको जितना जल्दी डेवलप कराएंगे उतना ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप इसको जितना जल्दी डेवलप कराएंगे तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप काप स्टार्टर इसको बेसिकली दें। जानवर को काप स्टार्टर जैसे ही देंगे वैसे ही रूमन का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 दिन के आसपास जो है आप काप स्टार्टर जो है वो शुरू कर देंगे, और जितनी अच्छी मात्रा में और जितनी अच्छी क्वालिटी का लेग्यूम शुरू में आप जितनी अच्छी क्वालिटी का लेग्यूम हरा चारा जो है वो देंगे तो वो इतनी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रूमिनेशंस के बारे में हमने बात करी थी दोस्तों कि रूमिनेशन के में जो है अपने दिन का 40% जो है, मतलब जुगाली करने में जानवर जो है 40% अपने दिन का 40% खत्म करते हैं, और ये 35-40% डिपेंड करेगा कि उसने किस प्रकार का फीड जो है वो काम में लिया है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और कि आपको इसको कड को और बेसिकली चू को जो है उसका अंतर जो है वो समझना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं VFA के बारे में, वोलेटाइल फैटी एसिड, कि जानवर ने चारा खाया, सेलुलोज एंजाइम जो है उसकी प्रेजेंस में सेलुलोज जो है वो तोड़ा गया। ये देखिए आप, चारा जो होता है पॉलीमर से बना होता है, स्टार सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से। तो सेलुलोज इस पे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाता है और वहाँ से पाइरूवेट जनरेट होता है। पाइरूवेट जनरेट होने के बाद इस पाइरूवेट से या तो एसिटाइल कोएंजाइम बन के एसीटेट बन जाएगा, जो क्रेब साइकिल में हम देखते हैं, या ब्यूटायरेट बन जाएगा, या फिर पाइरूवेट से प्रोपायोनेट बन जाएगा। तीनों वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं
और ये बड़े इम्पोर्टेंट रोल इनकी जो है वो प्ले होती है। इसमें भी एसीटेट जो जनरेट होता है दोस्तों वो 60% के आसपास होता है, और ब्यूटायरेट की हम बात करें तो 10% के आसपास, और प्रोपायनेट जो है 25% के आसपास होता है, अगर आपने उनको अच्छी क्वालिटी का रफेज दिया है, ठीक है दोस्तों। और यह वहीं पर अगर आपने कंसनट्रेट ज़्यादा खिलाया, मतलब बाटा ज़्यादा खिलाया, कंसनट्रेट का मतलब होता है बाटा, अगर आपने बाटा ज़्यादा खिलाया तो एसीटेट, मतलब ये एसीटेट 60 से घट के 40% पे आ जाएगा, और प्रोपायनेट 25 से बढ़ के 40% के आसपास चला जाएगा। तो आप जैसे ही कंसनट्रेट बढ़ाएंगे उसके डाइट में, बाटा बढ़ाएंगे तो प्रोपायनेट बढ़ेगा, और प्रोपायनेट बढ़ेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बढ़ेंगे, और ग्लूकोज गैलेक्टोज अगर बढ़े तो दूध उत्पादन की जो उसकी क्षमता है जानवर की वो बढ़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब जब आप बाटा खिलाएंगे जानवर का दूध जो है वो इंक्रीज होगा। और ऐसे ही अगर आप उसको रफेज खिलाते हैं, अच्छी क्वालिटी का रफेज खिलाते हैं, तो एसीटेट बढ़ेगा, और ये एसीटेट जो होता है ये बढ़ाता है मिल्क फैट। तो अगर आपको दूध में फैट बढ़ानी है तो आप उसे अच्छी क्वालिटी का अगर लेग्यूम खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, तो उसका मिल्क फैट बढ़ेगा, और यदि आप उसको अच्छी क्वालिटी का बाटा खिलाते हैं तो मिल्क की क्वांटिटी जो है, मिल्क उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ गैसेज भी जो है यहाँ से रिलीज होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये मीथेन में आप देख सकते हैं, मीथेन और CO2 और CH4, ये जो है वो भी जो है रिलीज होती है। तो रूमिनेंट्स के केस में ये दो चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों बात करें, जैसा मैंने बताया कि इस एसीटेट से जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी, 60 से 70% के आसपास एनर्जी की रिक्वायरमेंट एसीटेट से पूरी होती है। इसके अलावा ये मिल्क फैट भी जो है वो बनाता है। और ब्यूटायरेट की बात करें तो हमने बता ही दिया, ब्यूटायरेट जो है ये कीटोन बॉडीज बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और कीटोन बॉडीज से फिर जो है एनर्जी जनरेशन में इनको काम मिल जाता है। प्रोपायनेट का मैंने बता ही दिया कि ये ग्लूकोजेनिक है, और उससे मिल्क की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाने के काम में आती है, ठीक है दोस्तों। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये H+ जो जनरेट हो रहे हैं साथ में, ये H+ जो है ये एसीटेट और ब्यूटायरेट जब बन रहे हैं तो ये H+ जो है ये रोल में आते हैं, और इनका रोल जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप ATP के प्रोडक्शन देख सकते हैं कि अगर एसीटेट है तो 10 ATP मिलेंगे, प्रोपायनेट है तो 17, और ब्यूटायरेट अगर है तो 25 ATP जो है उसके बॉडी में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और ये वही चीज़ दिखाई भी एसीटेट ब्यूटायरेट और प्रोपायनेट की फर्मेंटेशन होके जो चारा खिलाया जा रहा है उससे एसीटेट ब्यूटायरेट और प्रोपायनेट बनते हैं जो कि एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। और इसके अलावा ये H+ भी बनते हैं, ये H+ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जानवर को जब आप देखते हो कि हम पशुपालक जो है वो जानवर को कभी कभी जो है तेल पिलाता है, वो तेल किस लिए पिलाता है, ताकि उसकी फैट जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। फैट अगर बढ़ जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, फैट अगर बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि दूध की मूल्य का निर्धारण किससे होता है आजकल, मिल्क फैट से, तो वो उसको खिलाता है तेल। तेल जो होता है वो होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये क्या करता है, H+ उस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से जाके जुड़ जाता है, ये H+ जाके जुड़ेगा तो वो अनसेचुरेटेड किस में चेंज हो जाएगा, सेचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं, गांव वाले सब बोलते हैं कि तेल अगर जानवर को दिया जाता है तो उतनी ज़्यादा मात्रा में जो है सेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब घी का निर्माण होता है, मतलब तेल पिलाओ और घी पाओ। तो ये H+ जो है ये एसीटेट और ब्यूटायरेट के साथ जनरेट होता है, ये H+ रूमन में जैसे तेल पहुँचता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पहुँचता है, ऑयल केक पहुँचते हैं, खल खिलाते हैं ना, वो खल के वो जो है उसमें जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड निकलता है उसको ये H+ जाके बाइंड हो जाता है, और ये H+ बाइंड होने के कारण उससे क्या जनरेट हो जाता है दोस्तों, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाता है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब घी बन जाता है। तो जो डालडा का प्रोसेस है, डालडा घी बनाने का, वो रोमन में ऑन गोइंग होता है। एक और चीज, इसको बोलते हैं बायोहाइड्रोजिनेशन, क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोहाइड्रोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और ये मेथेन जो रिलेक्ट हो रही है, ये जो इरेक्टेड गैसेज हो रही है CH4 और CO2, ये या तो ये एच प्लस वैसे काम में आ जाता है, ये एच प्लस क्या कार्बन के साथ मिलके मेथेन गैस बना लेता है और ये उसके शरीर से रूमिनेंट्स के शरीर से जो है बाहर निकाल दी जाती है। एक और चीज़, आजकल ग्लोबल वार्मिंग के केस में इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपके वहाँ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन कैटल बफेलो की है और आप जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या खिला रहे हैं, रफेज खिलाते हैं जानवरों को। तो आप रफेज ज़्यादा खिलाते हैं और रफेज ज़्यादा खिलाते हैं वो तो एसीटेट और ब्यूटाइरेट ज़्यादा बनते हैं और एसीटेट ब्यूटाइरेट ज़्यादा बनने से एच प्लस भी साथ में बनता है। प्रोपायनेट के केस में ये नहीं होगा, लेकिन एसीटेट और ब्यूटाइरेट जब बनेंगे तो उसके साथ एच प्लस भी निकलेगा और एच प्लस ज़्यादा निकलने से वो कार्बन के साथ मिलके मीथेन गैस बनाता है और ये मीथेन गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट है उसके लिए जिम्मेदार है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग का अगर पूछते हैं तो इससे जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये विदेशी वाले लोगों का जो है वो अतकंडा है और मीथेन गैस तो रिलीज होती है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने लगातार इंडिया को इस बात के लिए ब्लेम किया है कि आप उनको चारा खिलाते हो, चारा खिलाने से एसीटेट ब्यूटाइरेट ज़्यादा जनरेट होते हैं, एच प्लस बनता है, उससे CH4 मीथेन गैस बनती है और मीथेनोजेनेसिस होता है और मीथेनोजेनेसिस होने के कारण जो है मीथेन गैस रिलीज होती है और मीथेन गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, तो वो कहते हैं कि आप इसको कंसंट्रेट खिलाएं प्रोपायनेट, है ना, तो क्योंकि उनका जो बेसिक कंसर्न है वो मीट मतलब बीफ के लिए है और हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो दूध उत्पादन के लिए, तो दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट में अंतर है। तो ये ब्लेम जो है वो लगाया जाता है। तो ये मीथेन गैस जो रिलीज होती है 7% के आसपास जो है वो जो एनर्जी है ग्रोस एनर्जी है वो इस मीथेन गैस बनने से ख़राब हो जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको VFA के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर दिया भी है कि VFA से 70% के आसपास जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। एसीटेट जो है वो मिल्क फैट सिंथेसिस, प्रोपायनेट मिल्क शुगर और ब्यूटाइरेट जो है कीटोन बॉडी जो है वो बनाता है। इसके अलावा जैसे आप रफेज डाइट देंगे मतलब चारा ज़्यादा खिलाएंगे अच्छी क्वालिटी का तो मिल्क फैट बढ़ेगी और कंसंट्रेट खिलाएंगे तो मिल्क यील्ड बढ़ेगी मतलब उत्पादन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेट के आसपास एब्जॉर्ब होता है और बाकी ब्लड में चले जाते हैं। ये देखिए आप 20 रूमन से एब्जॉर्ब हुआ और 50 पोर्टल वेन में चला गया जो कि एनर्जी उत्पादन में काम आएगा और प्रोपायनेट जो 20 उत्पन्न होता है वो 10 तो रूमन वॉल में चला जाता है और 10 जो है पोर्टल वेन में चला जाता है, ब्यूटाइरेट जो 10 होता है 9 रूमन वॉल में चला जाता है और 1 जो है वो पोर्टल वेन में चला जाता है। तो ऐसे जो है इसका उत्पादन आप देख सकते हैं। तो ये बताया गया है कि ग्लूकोज और जो सेलुलोज उससे 2 पाइरूवेट और फिर जो है उससे कैसे कैसे एच प्लस जुड़ के लास्ट में ब्यूटाइरेट एसीटेट और प्रोपायनेट जो है वो बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद रूमन के माइक्रोब्स की बात करना है कि रूमन की नॉर्मल पीएच जो है वो 6.5 to 6.8 होती है, ये आपको पता ही। ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात करें तो 39 के आसपास होता है। गैस प्रोडक्शन देखिए CO2 और CH4 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 35 और मीथेन जो है वो 35 इतनी जनरेट होती है। VFA की प्रोफाइल मैंने बताई थी आपको, एसीटेट प्रोपायनेट ब्यूटाइरेट 65-20-10। और माइक्रोब्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं बैक्टीरिया होता है 10^12। ठीक है दोस्तों, ये पावर है, ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पर आप पावर देख सकते हैं कि ये जो जनरेट हुआ है ये 10^12 है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो है 10^6 है, ये 106 नहीं होके 10^6 मतलब 10^6 और फंजाई जो है वो 10^3। ये तीनों माइक्रोब जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है इसमें पाए जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो 10^12, 10^6 और 10^3, तो ऐसे आप आधा आधा करता जाएंगे पावर को तो आप पता लग सकते हैं बैक्टीरिया प्रोटोजोआ और फंजाई का। रूमिनल बैक्टीरिया जो बेसिकली ग्राम नेगेटिव होते हैं और प्रोटोजोआ जो सीलिएट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें, ये रूमन की पूरी बात हमने कर ली है, VFA की बात कर ली है, अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे वहाँ पर जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल होते हैं इंसान होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन का काम बेसिकली करती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन यहाँ पर ऑनगोइंग होती है
और जो लीवर गॉल ब्लैडर से जो सीक्रेशन निकलता है वो यहाँ पहुँचता है। तो ये तीन पार्ट जो है यहाँ पर होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलियम। ये तीनों पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बने होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये किसी भी एनिमल की जो लंबाई होती है उससे 20 गुना उसकी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और पेंक्रियाज के सीक्रेशन यहाँ पहुँचते हैं, गॉल ब्लैडर के पहुँचते हैं, लीवर के पहुँचते हैं, और एंजाइमेटिक रिएक्शन और एब्जॉर्बेशन का काम जो है वो यहाँ पर बेसिकली किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको विलाइज मिलती है जो एब्जॉर्बेशन कराती है, न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में पहुँचाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रोटीन्स की हम बात कर लें दोस्तों, कि प्रोटीन जो जानवर को दिया जा रहा है वो समस्या ये है यहाँ पर कि आप जितना प्रोटीन दे रहे हैं वो सब डिग्रेड हो जाता है, रूमन की वजह से वो डिग्रेड हो जाता है। वो बेसिकली जानवर में जो है वो जहाँ पहुँचना चाहिए एब्जॉर्बेशन के लिए वो नहीं पहुँच पाता, और उससे जो है अमोनिया का निर्माण होता है, और अमोनिया के निर्माण से जो है फिर वापस जो है वो यूरिन में चला जाता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत रहती है। तो अगर आप ट्रू प्रोटीन जो है जानवर को खिला रहे हैं, अगर ट्रू प्रोटीन खिला रहे हैं तो ट्रू प्रोटीन जो है ये बेसिकली लीवर में पहुँचती है और वहाँ से इसका सिंथेसिस चालू होता है। लेकिन समस्या इसमें यही है कि अमोनिया जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है, आप देख पा रहे हैं। तो ट्रू प्रोटीन जो है ये बेसिकली 60% के आसपास जो है वो डिग्रेड हो जाती है और पहुँचती है, और जो अनडिग्रेडेबल होती है वो आगे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है एमिनो एसिड बना के ब्लड में जो है वो पहुँच जाती है, और फिर मिल्क में जो है वो एमिनो एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं या शरीर बनाने के काम आता है किसका, रूमिनेंट्स का। तो एक समस्या जो है कि अमोनिया यहाँ रिलीज हो रही है, इसको हम जो है कैसे कम करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि आप NPN खिला रहे हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन खिला रहे हैं, जैसे यूरिया आप खिला रहे हैं, तो आप इसको कैसे जो है वो इसको कम कर सकते हैं, रूमन में टूटने से कैसे जो है वो बचा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो है वैज्ञानिकों ने की है। तो ये नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन जो है वापस आप देख सकते हैं कि ये सलाइवा में, ये नाइट्रोजन जो है ये सलाइवा में पहुंच रही है ना टूटने के बाद। या तो ये यूरिया बन के जो है किडनी के थ्रू और ब्लैडर के थ्रू यूरिन के थ्रू जो है पास आउट हो जाएगी, या फिर ये कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है ये वापस सलाइवरी ग्लैंड के सेक्रेशन से पहुँचती है, और जो कड़ की हमने बात करी थी वो वापस आके बैक्टीरिया को जो है नाइट्रोजन जो है वो मिलती है। तो कुछ मात्रा में सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू जो है नाइट्रोजन वापस जो है बैक होके वापस जो है रूमन में पहुंचती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये अमोनिया कुछ मात्रा में माइक्रोब्स भी काम में ले लेते हैं, और कुछ मात्रा में यूरिया के थ्रू जो है किडनी बन के यूरिन के थ्रू पास आउट भी हो जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है ये फीसेज के थ्रू जो है इंटेस्टाइन से जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये प्रोटीन्स का जो है देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है आजकल नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का चल रहा है, कि हम 4% के आसपास अगर एक्स्ट्रा जो है जो खागला जो है अगर उसको हम ट्रीट करते हैं अच्छे से 4% के आसपास, तो जो है आपको अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन नॉन प्रोटीन जो नाइट्रोजन इससे भी अमोनिया मिलता है, जैसे माइक्रोब्स जो है वो काम में लेके, और इस माइक्रोब जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी। क्योंकि माइक्रोब्स का जो शरीर बनेगा वो प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन का जो माइक्रोब्स में जो प्रोटीन है वो फिर एनिमल्स के काम में आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप देख पा रहे हैं आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया बाईपास प्रोटीन का। तो बाईपास प्रोटीन जो है, बाईपास प्रोटीन जो है वो जैसे ही हम देख रहे हैं कि हम ऐसी किसी चीज़ से उसको ट्रीट करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है वो रूमन में ब्रेक डाउन ना होके वो सीधा का सीधा बाईपास कर जाए रूमन को और एबोमेजम में पहुंच जाए। एबोमेजम से जो है फिर वो प्रोटीन जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड में जो है वो एनिमल के काम में आ जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको कैसे बाईपास कराएंगे। तो उसके लिए हम इसको ट्रीट कराते हैं, और जो 60-70% प्रोटीन जो है वो टूट जाती है उसको 25-30% के आसपास ही हमने बाईपास प्रोटीन
जो हम काम में ले रहे हैं वो केवल 25% के आसपास टूटती है और बाकी पूरी की पूरी जो है फिर एनिमल्स के काम में आ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बाईपास प्रोटीन जो है वो जानवर को खिलाएं। आजकल मार्केट में बने बनाए बाईपास प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी, जैसा एक फ़ोटो आपके सामने दिख रहा है शेडो बाईपास प्रोटीन का, तो इससे जो है मिल्क प्रोटीन बनेगी और मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका अमीनो एसिड आसानी से मिल जाएगा और जो मिल्क की क्वांटिटी है वो इंक्रीज कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है बाईपास प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एसेंशियल अमीनो एसिड्स की हमने बात करी ली थी दोस्तों कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको दिख रहे हैं जो इंसानों में ज़रूरत है, और कैटल बफेलो शीप गोटे केस में आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड 0, पिक के केस में 8, ह्यूमन में 9, रेट एंड फिश में 10, पोल्ट्री में 11। और ये जो नीचे दिए हुए हैं ये क्रिटिकल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं बेसिकली, कि पिक के लिए लाइसिन जरूरी है, पोल्ट्री के लिए ग्लाइसिन, शीप के लिए मिथियोनिन और कैट के लिए टोरिन। ये एसेंशियल अमीनो एसिड ना होकर अब इनको टर्न दे दिया गया है क्रिटिकल अमीनो एसिड्स, कि ये क्रिटिकल अमीनो एसिड जो है वो आपको देखने और वो याद रखने। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल अमीनो एसिड्स अगर कोई आपसे पूछता है तो पिक के केस में लाइसिन, पोल्ट्री केस में ग्लाइसिन, शीप के केस में मिथियोनिन और कैट के केस में टोरिन। इसके बाद फैट में भी सेम समस्या आती है कि फैट भी जो है आप जितनी ज़्यादा फैट खिलाते हैं जानवर को तो वो समस्या आती है कि वो डिग्रेड हो जाती है और डिग्रेड होके फिर जो है वो काम नहीं, और अनडिग्रेडेड अगर रही है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो यहाँ पर वो डिग्रेड हो जाती है और ग्लिसरॉल और VFA बन जाता है, VFA बनने के बाद जो है वो काम में आ जाती है। तो आजकल वो जो वेस्टेज वाला जो पार्ट है वो रोकने के लिए कुछ बाईपास प्रोटीन जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट में आया है और ये डायरेक्ट जो है वो बाईपास कर जाता है और डायरेक्ट एबोमेजम में पहुंचता है। तो ये आपको ज़रूरत पड़ती है बिफोर जस्ट काविंग, जैसे काविंग होने वाला जानवर को उससे 10 दिन पहले, और जब बच्चा दे दिया है काव की डिलीवरी कर दी है उससे 90 दिन बाद तक आप बाईपास फैट जो है जानवर को खिलाते हैं। और ये खिलाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक तो एनर्जी लेवल जो है वो जानवर का कम नहीं होगा, तो कीटोसिस होने की संभावना नहीं रहेगी, एसिडोसिस होने की संभावना नहीं रहेगी और मिल्क फीवर, ये सारी चीज़ें अगर रोकनी है तो आप बाईपास फैट अगर जानवर को देते हैं तो एक तो दूध उत्पादन तो इंक्रीज होगा ही सही, उसके अलावा जो जानवर जो है वो जल्दी हीट में आ जाएगा और उसका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो है वो लगातार मेंटेन रहेगी। आप अक्सर देखते हैं कि जब काविंग होता है जानवर का तो दूध उत्पादन के कारण जो है उसका शरीर में जो रिजर्वायर है वो कम हो जाता है और उसका जो रिजर्वायर है जो फैट का डिपोजिशन है वो कम हो जाता है, और फिर जो है आप देख रहे हो कि उसका जो है 80 से 100 किलो वेट जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड्स की दोस्तों हम बात करें तो एसेंशियल फैटी एसिड जो हैं वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 3 प्रकार के हैं, लिनोलिक, लिनोलेनिक और अरेकिडोनिक, मतलब एसेंशियल मतलब ये रूमिनेंट्स के शरीर में बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो यहाँ भी क्रिटिकल EFA आपको देखने को मिलेंगी, कैट के केस में ये अरेकिडोनिक है और पिग और पोल्ट्री केस में ये लिनोलेनिक है। तो ये कार्बन संख्या यहाँ पर दी भी है कि लिनोलिक में 18 कार्बन है, अल्फा लिनोलिक हो, अरेकिडोनिक में 20 कार्बन है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन दिए हुए, डबल बॉन्ड भी जो है वो बताया भाई कितने डबल बॉन्ड जो है वो हैं। इसके बाद ये ओमेगा 6 ओमेगा 3, ये बड़ा कॉन्सेप्ट आजकल मार्केट में चलता है कि इसमें ओमेगा फैटी एसिड है, तो ओमेगा फैटी की अखरोट खाना चाहिए ओमेगा फैटी एसिड होता है, तो ये बताता है कि डबल बॉन्ड जो है वो कितने कार्बन पे, 5 से 6 कार्बन के बीच में या 6 से 7 कार्बन के बीच में। अगर हम चेन को देखना स्टार्ट करें तो ये ओमेगा 6 जैसे लिखा रहा है तो ये आपको 6 कार्बन पे जो है लिनोलिक एसिड में आपको 6 कार्बन पे देखने को मिलेगा, मतलब 6 से 7 के बीच में ओमेगा 3 लिखा रहा है तो 3रे और 4थे कार्बन के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये ओमेगा फैटी एसिड जो है ये जिसमें पाया जाता है वो थोड़ा सा फ़ायदेमंद आजकल की रिसर्च जो है वो बता रही है। मार्केट में आप देख सकते हैं बाईपास फैट जो है वो मिलने लगी है, इसमें दिया हुआ है कि मिल्क यील्ड को इंक्रीज करते हैं, मिल्क फैट को इंक्रीज करते हैं, बॉडी ग्रोथ बढ़ेगी, जो रूमन्स के माइक्रोफ्लोरा हम देख के आ रहे हैं वो बढ़ेंगे, फर्मेंटेशन बढ़ेगा, कीटोसिस मिल्क फ्लोर होने के चांसेस जो है वो नहीं होंगे,
और मिल्क प्रोडक्शन जितना मेंटेन है उसको कम नहीं होने देगा, ज़्यादा ही करेगा। तो ये देख सकते हैं, और ये हम 100 ग्राम के आसपास जो है एक वीक तक देंगे, मतलब 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को, ये तो जब ब्याह जाएगा जानवर तब देंगे। और फिर जो है एक सप्ताह के बाद में आप 100 ग्राम जो है, मतलब 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को आपको 4 सप्ताह तक देना है, और फिर 100 ग्राम आप जो है केवल 15 दिन के बाद आप देख सकते हैं। तो ये आप पूरी चीज़ें देख पा रहे हैं, इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें आती है। कैल्शियम प्रोपायोनेट, जैसे मिल्क फीवर होने की संभावना नहीं रहेगी, चेस्ट कल्चर आ रहा है, रूमन बाईपास फैट आ रहा है, रूमन बाईपास प्रोटीन भी इसमें आ रहा है, और अवेलेबल कैल्शियम आ रहा है, जीवंती आर्य सत्तावरी और क्रोमियम चेलेटेड विथ अमीनो एसिड, ये चेलेटेड जितनी चीज़ें आती है उससे क्या फ़ायदा है दोस्तों कि ये रूमन में डिग्रेड नहीं होते हैं। तो ये एग्जाम्पल रूमो फेट का मैंने आपको, सरकार जिसका लगातार प्रचार करी UMB, इसमें देखते हैं आप कि यूरिया भी है और मोलासेज भी है, मतलब दोनों चीज़ें यूरिया मोलासेज मिनरल तीन चीज़ें का इसमें मिक्सर करके ऐसी ईंटें बनानी जाती है, और ये ईंटें जो हैं ब्रिक्स जो है ये पशु बाड़े में रख दी जाती है, और जानवर इसको अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो लिक करता रहता है, और लिक करता रहता है तो उसके शरीर में यूरिया जाता रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बैक्टीरिया माइक्रोब्स की क्वांटिटी जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा मोलासेस से एनर्जी जाती रहती है जिससे कार्बन की सप्लाई होती रहती है, और मिनरल्स जाते रहते हैं ताकि मिनरल्स जो है वो मिल्क की क्वांटिटी भी बढ़ाएंगी, और जानवर में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी डिजीज होने से भी रोकेंगे। तो ये UMB का कॉन्सेप्ट जो है बहुत फ़ायदेमंद है, ये इसमें अच्छी मात्रा में जो है यूरिया होता है, मोलासेस होता है और मिनरल्स होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यूरिया इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत लंबे समय तक जाता रहता है, तो ऐसी ईंटें पशु बाड़े में आपको आजकल देखने को मिल जाएगी, इससे जो पशु का डाइजेशन है वो इंक्रीज होगा, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और मिनरल्स होने से ये चीज़ें आपको आसानी से देखने में मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रोक्सीमेट एनालिसिस की, कि आप जो फीड खिला रहे हैं वो प्रोक्सीमेट क्या क्या चीज़ें जो है वो उसमें होती है, अप्रोक्सीमेट बेसिकली क्या क्या होता है। तो ये दो मेथड आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, विंडे सिस्टम और वैंस होस्ट। तो जो सबसे पहले दिया गया वो विंडेस जो लैब है वहाँ से दिया गया, और इसमें ये बताया गया प्रोक्सीमेट का मतलब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस किया गया, और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में कि आप जो फीड खिला रहे हैं जानवर को उसमें बेसिकली क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रोक्सीमेट एनालिसिस की। तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि आपने सबसे पहले हॉट एयर ऑन में जो है फीड को रखते हैं, उसका जो टेम्परेचर जो है 100 से 105 सेंटीग्रेड के आसपास रखते हैं, और लगभग 16 से 20 घंटे इसको रखा जाता है, 16 घंटे के आसपास रखते हैं। तो इसमें जितना भी मॉइस्चर होता है फीड में जो आप फीड खिला रहे हो उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि वास्तव में उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे जो जानवर खा रहा है उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहले हम इसका मॉइस्चर रिलीज कर देंगे हॉट एयर ऑन की सहायता से, तो मॉइस्चर अलग हो गया और ड्राई मैटर केवल अब आपके पास बचा है। अब ड्राई मैटर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हैं जो सॉक्सलेट एपरेटस जो होता है उसमें इस फीड को रख देते हैं, और उस सॉक्सलेट एपरेटस में पेट्रोलियम जेली की सहायता से जो उसमें पेट्रोल में जो घुलनशील चीज़ें होंगी वो स्पीड से अलग हो जाएगी, और उस स्पीड से अलग होने पे ईथर या पेट्रोलियम जेली से तो आप उसको कह सकते हैं ईथर एक्सट्रैक्शन, और ईथर के कारण रिलीज हो रही है इसलिए ईथर से एक्सट्रैक्ट हो रही है इसलिए उसको ईथर एक्सट्रैक्शन कह रहे हैं। ये बेसिकली फैट वाला पार्ट है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या जनरेट होगा, जो भी फैट होगी वो रिलीज हो जाएगी, तो ये हम काम में लेते हैं। तो इससे क्रूड फैट जो है वो रिलीज हो जाएगी, तो क्रूड फैट ये अलग हो गई। अब क्या करते हैं कि जो आपके पास फैट क्रूड फैट आने के बाद आप दोस्तों क्या करते हैं, आप जो सैंपल बचा है इस सैंपल को हम एसिड और एल्कली में दोनों में ही डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्कली में 30-30 मिनट के लिए जो है डिजोल्व करके रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उससे जो है आपको क्रूड फाइबर जो है वो अलग हो जाएगा। अब क्रूड फाइबर अलग होने के बाद आप इसको
इस जो सैंपल बचा है इस सैंपल को सबसे पहले आप जो है जेल डाल मेथड से जो है इसका जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो यूरिया हो उसको हम अलग करने को ये तीन स्टेप में होता है। सबसे पहले हम इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट इसमें जो प्रोटीन है उसको सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करते हैं डाइजेस्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड से डाइजेस्ट करने पर इसमें जितनी भी जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया बनाती है और अमोनियम सल्फेट जो है वो बन जाता है। अब अमोनियम सल्फेट बनने के बाद दोस्तों हम इसकी जो एल्कलाइन माध्यम से है इसका डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्टिलेशन करने पे जो अमोनियम सल्फेट बना था वो किस में चेंज हो जाता है दोस्तों अमोनिया में। और अमोनिया में जब वो आ गया है तो पहला हमने देखा डाइजेशन और दूसरा हमने देखा डिस्टिलेशन, ठीक है दोस्तों। और डिस्टिलेशन के बाद हम जो है दोस्तों ये अमोनियम सल्फेट आप देख पा रहे हैं और सेकेंड स्टेप आप देख रहे हैं डिस्टिलेशन की। अब डिस्टिलेशन के बाद जो है हम 2% बोरिक एसिड से इसको कैप्चर करते हैं। इस अमोनिया को हम क्या करते हैं 2% बोरिक एसिड से कैप्चर करते हैं और फिर जो है इसको टाइट्रेट करवाते हैं। जो थर्ड पोर्ट आप देख रहे हैं इसको हम क्या कराते हैं टाइट्रेशन कराते हैं और ये हम बेसिकली स्टैंडर्ड एसिड से इसका टाइट्रेशन कराते हैं क्योंकि अमोनिया क्या होती है एल्कली होती है तो उसका बेसिकली हम टाइट्रेशन करवाते हैं। और ये H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से N/10 सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसका टाइट्रेशन करवाते हैं और जो आता है वो जो नाइट्रोजन आता है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं और उसको 6.25 से जो है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6.25 कहाँ आ गया कि ऐसा माना गया है कि जितनी प्रोटीन होती है उसमें 16% नाइट्रोजन होता है तो 100 / 16 किया तो ये आपको पास आ गया नाइट्रोजन का फैक्टर। तो ये जैसे ही आप जेल डाल मेथड लगा के जैसे ही क्रूड प्रोटीन को रिलीज करते हैं क्रूड प्रोटीन निकालते हैं इसके बाद आप जो है इसको फीड सैंपल को कहाँ से तो ये सारी चीज़ें घटा देंगे और उससे जो है आप इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जो है वो निकल जाएगा। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट आप जैसे ही निकाल देंगे 100 में से माइनस करके तो NFE जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें क्रूड प्रोटीन आपने निकाल दिया, इथर एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, S निकाल दिया और क्रूड फाइबर जो कि है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज लिग्निन से बना हुआ है जो आसानी से पचता नहीं है। और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जो होता है ये होता है ऐसा पार्ट जो आसानी से पच जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ऐसा पार्ट जो आसानी से पच जाए जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज। तो ये प्रोक्सीमेट एनालिसिस कहलाता है। प्रोक्सीमेट एनालिसिस आपको समझ में आ गया दोस्तों कि क्या बेसिकली हमने ये निर्धारित किया है कि हम इस फीड में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने रखी है, ये आपको टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर आपने हॉट एयर वन सबसे पहले रिलीज करवा दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है आप ईथर एक्सट्रैक्ट में काम में लिया और क्रूड प्रोटीन को आपने जेल डाल से निकाला, क्रूड फाइबर निकाला, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट से निकाला और फिर एस से जो है आपने निर्माण किया। लेकिन इस पूरे मेथड में एक समस्या ये रही दोस्तों कि क्रूड फाइबर जिसमें हमें ये पता नहीं लगा कि जो है क्रूड फाइबर जो होता है उसमें सेल्यूलोज कितनी मात्रा में, हेमी सेल्यूलोज कितनी मात्रा में, लिग्निन जो है वो कितनी मात्रा में। तो इसके इसको समझाने के लिए वेन सोर्स साइंटिस्ट ने एक और मेथड दिया डिटर्जेंट से इसको ट्रीट करने का, डिटर्जेंट मेथड कहलाता है डिटर्जेंट मेथड ऑफ फॉरेन एनालिसिस या वेन सोर्स मेथड ऑफ फॉरेज एनालिसिस। तो ये आप देख सकते हैं इसमें फिर जो है वेन सोर्स ने जो है वो डिटर्जेंट से इसको ट्रीट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें जो है वो अलग अलग जो है आपको प्रोवाइड हो गई। सेलुलोज अलग आ गया, लिग्निन अलग आ गया, फाइबर बाउंड अलग आ गया, हेमी सेलुलोज अलग आ गया और अमोनिया के भी आप अलग अलग पार्ट जो है ट्रू प्रोटीन और NPN ये आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं। NPN का मतलब हो गया नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कि वो नाइट्रोजन तो है लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, मतलब एमिनो एसिड जो है वो नहीं है, तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है वहाँ पर और पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होने से वो ट्रू प्रोटीन नहीं है। तो ये आप अलग अलग जो है वेन सोर्स्ड मेथड से जो है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ जरूरी चीज़ें जैसे रफेज वर्सेज कंसनट्रेट की हम बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो अंतर है वो सेकेंड नंबर पे आपको दिख रहा है कि
क्रूड फाइबर का जितना कंटेंट है, क्रूड फाइबर मतलब जो आसानी से नहीं पचता है, जो हेमिसेल्युलोज सेल्यूलोज बनाता है। तो हम आज अंतर देख रहे हैं चारे और बाटे में। तो बाटा जो होता है उस बाटे में मतलब कंसनट्रेट में 18% से कम होता है क्रूड फाइबर, और चारे की बात करें तो चारे में 18% से ज़्यादा क्रूड फाइबर होता है। डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो बाटा आसानी से पच जाता है, जो चारा होता है वो आसानी से नहीं पचता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो बाटे में ज़्यादा होती है, चारे में कम होती है। नेचर की बात करें, यह कम्पैक्ट होता है, बल्की होता है। तो रफेज का बेसिकली क्या काम है दोस्तों, पेट को भरने का, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, कंसनट्रेट का। तो ये होता है कीपिंग क्वालिटी। कंसनट्रेट को आप लंबे समय तक रख सकते हो, रफेज जो है अगर ड्राई फोल्डर तो आसानी से रख सकते हो लंबे समय तक, और वहीं अगर ग्रीन है तो कम समय तक इसको रख पाएंगे। और कंसनट्रेट का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, और रफेज का काम है पेट को भरने का। ये ड्राई मेटल की रिक्वायरमेंट है दोस्तों जो दी हुई है। कि जेबू केटल की अगर हम बात करें देसी गाय की, तो 2 से 2.5% के आसपास उसके बॉडी वेट का, कि 100 किलो हर 100 किलो पे 2 किलो की रिक्वायरमेंट उसको है। एंड ड्राई मेटल की एक्जोटिक केटल की 2.5 से 3, बफेलो की 2.5 से 3, शीप की 3 से 3.5, और गोट की जो है 3 से 4%। और वहीं अगर ये लैक्टेशन में शीप और गोट दूध भी साथ में दे रही है वजन बढ़ाने के अलावा, तो आप इसमें 1-1% ड्राई मेटल जो है वो और ऐड कर देंगे। मतलब सीप का 4 से 4.5 हो जाएगा, गोट अगर दूध दे रही है तो वही 4 से 5 ड्राई मेटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी शीप और गोट के केस में। यहाँ पर मेंटेनेंस रेशन दी हुई है दोस्तों स्ट्रा और कंसनट्रेट में। जेबो केटल के लिए स्ट्रो जो है वो ये मेंटेन करने के लिए, कि ना तो वजन बढ़ेगा ना घटेगा, केवल जो अभी है वो मेंटेन रहेगा। 4 किलो और कंसनट्रेट आपको देना है 1 किलो के आसपास। और वहीं बफेलो और क्रॉस ब्रेड का होगा तो 4 से 6 kg आप स्ट्रो देंगे, और 2 किलो के आसपास जो है आप कंसनट्रेट जो है उसको मेंटेन करने के लिए देंगे। प्रोडक्शन की बात करें तो हर 2.5 किलो पे 1 किलो कंसनट्रेट देसी गाय में बढ़ाना है, और हर 2 किलो पे 1 किलो बाटा जो है वो आपको बफेलो और क्रॉस ब्रेड में बढ़ाना है। गेस्टेशन की बात करें कि जानवर एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंट हुआ हुआ है, तो देसी गाय में आप 1.25 किलो कंसनट्रेट बढ़ाएंगे, वहीं बफेलो के केस में 1.25 किलो जो है कंसनट्रेट बढ़ाना होगा। और लास्ट में दोस्तों काफ़ी लंबा आज का सेशन हो गया है, तो BIS की बात कर लेते हैं। आजकल मार्केट में जो है आपको केटल फीड बने बनाए मिल जाते हैं, कंप्लीट फीड, ये 2 प्रकार के होते हैं BIS, फर्स्ट टाइप 1 और टाइप 2। तो जो टाइप 1 होता है इसमें क्रूड प्रोटीन जो होती है वो 22% होती है, और टाइप 2 में ये जो है 20% क्रूड प्रोटीन होती है। साथ में आपको दिया है मार्केट में आपको बने बनाए आजकल केटल फीड आ गए, तो ये आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड होता है जैसे ये अमूल का आता है न्यूट्री गोल्ड, तो ये 22% के आसपास इसमें क्रूड प्रोटीन होता है, और यहाँ पर ये जो है ये 20% के आसपास होता है। और भी फैक्टर ध्यान दिए हुए हैं, क्रूड फाइबर दिया हुआ साथ, जनरल में 12% क्रूड फाइबर होता है जो कि कम होना चाहिए, मॉइस्चर दोनों में बराबर आता है, ईजर एक्सट्रेट यहाँ 3 और यहाँ 2.5, तो गोल्ड वाला जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, यहाँ सब चीज़ें अच्छी है, और ये जो है वो 2.4 और 3% के आसपास जो है वो रहता है। तो न्यूट्री गोल्ड जो होता है, गोल्ड वाला जो पोर्शन आएगा वो महंगा जाएगा। BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ये भारत सरकार द्वारा स्टैंडर्ड जारी किया गया है कि अगर आपको केटल फीड बनाना है तो आपको ये कंटेंट जो है वो फिक्स रखना है। आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं क्रूड प्रोटीन, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इतना फिक्स जो है मेंटेन करके रखना है। तो न्यूट्री गोल्ड और जनरल, ये BIS टाइप 1 और टाइप 2 जो है आपके सामने दिए। तो दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। आप सभी जो है वो जुड़े हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जल्दी ही हम जो है एक नए सेशन के साथ जो है दोस्तों वो जुड़ेंगे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े।